हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्री और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक बंगाली फिश का रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है भेकटी माछेर पातोड़ी। यहां पे हमने भेकटी फिश यूज़ की हूं। अगर आपको भेकटी फिश नहीं मिलता है, आप कोई भी फिश से ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये जो भेकटी फिश का पातोड़ी है, इसके साथ आप राइस लेकर खाएंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। और यहाँ पे हमने लिए हैं भेकटी फिश। ये फिश में थोड़ा सा भी कांटा नहीं रहता है। अगर आप चाहते हैं, इस फिश के बदले में कोई भी फिश आप ले सकते हैं। ये फिश को थोड़ा सा मोटा साइज में कट करके आप इसको क्लीन करके रखें। अभी हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आपका लेमन जूस 1 टीस्पून, और लास्ट में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले को अच्छे से फिश के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और साइड में हम इसको रख देंगे। अभी हम तैयार करेंगे इसका मसाला। उसके लिए चाहिए एक ग्राइंडर जार, 2 से 3 टेबलस्पून व्हाइट सरसों, 2 टेबलस्पून ब्लैक सरसों, 2 टेबलस्पून पोस्तो मतलब पॉपी सीड्स, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 से 2 ग्रीन चिलीज। अभी हम ये मसाले को पहले सूखा ग्राइंड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर उसको ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे हमारा ये जो पेस्ट है एकदम रेडी हो गया है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा इतना ही आपको ठीक रखना है मसाले को। अभी हम ये मसाले को एक बर्तन में निकाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं सिर्फ मसाले के हिसाब से। और फिर हमको ये मसाले को अभी यहाँ पे रख देना है, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं पहले। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे आपका ग्रेटेड नारियल, नहीं तो पेस्ट किया हुआ नारियल, जैसे आपको ठीक लगे नारियल वही हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं, करीब 3 टेबलस्पून। यहाँ पे हमने नारियल को पेस्ट करके ही डाले हैं, आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, और उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, और सारे मसाले को फिर अच्छे से मिक्स कीजिए। और यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हम मैरिनेट करके रखे थे फिश को, उसको हम डाल देंगे मसाले पे। और अभी हम ये मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे फिश के ऊपर, और सारे फिश को अच्छे से आप मैरिनेट कर दीजिए इसके साथ, और 1 आवर के लिए ढंकन लगाकर आप इसको छोड़ दें। उसके बाद हम इसका पातोड़ी बनाएंगे। आप इसको ढंकन लगाकर बाहर पे भी रख सकते हैं, नहीं तो फ्रीज में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे करीब 1 आवर हो चुका है, और यहाँ पे हमने गैस के ऊपर एक तावा को बिठाए हैं। तावा थोड़ा गर्म होने के बाद केले के पत्ते जो होता है उसको आप थोड़ा सा सेक लीजिए, क्योंकि ये जो पातोड़ी है हम इसमें ही इसको फोल्ड करके फ्राई करेंगे, इसीलिए हमको पत्ते को थोड़ा सा सेकना है तो ये अच्छे से फोल्ड होता है, नहीं तो ये अच्छे से फोल्ड नहीं होता है, टूट जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सेक लेना है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट गैस के ऊपर भी आप इसको सेक सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा गर्म हो जाए बस। यहाँ पे हमारा ये जो पत्ते है अच्छे से सेक चुका है, अभी हम इसको साइड पर रखेंगे। और अभी हम तैयार करेंगे हम फिश को कैसे पत्ते में डालेंगे और अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग भी ठीक सेम प्रोसेस में कीजिए। एक ही फिश को रखना है पत्ते के ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा मसाला भी डालें, इसके ऊपर 1 ग्रीन चिलीज डालें और 2 साइड से अच्छे से इसको फोल्ड करें। ऐसे ही आपको फोल्ड करना है, जैसे कि ये मसाला निकल ना जाए, वैसे ही थोड़ा सा ध्यान में रख कर आपको चारों तरफ अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम इसको अच्छे से टाइट करके बांध लेंगे। और यहाँ पे आपको ऐसे ही ये सारे चीज को अच्छे से फोल्ड करना है और अच्छे से बांध लेना है, जैसे कि मसाला ना निकल जाए जब आप इसको फ्राई करेंगे तापा पे। ऐसे ही करके आप सारे मछली को पहले तैयार कर लीजिए। एक ही पत्ते में आप एक ही फिश को डालेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा सारे मछली एकदम रेडी है फ्राई होने के लिए। इसके लिए हमको लेना है एक तावा। तावा को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए करीब 2 टेबलस्पून, और अच्छे से इसको स्प्रेड करिए तावा के ऊपर।
तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम ये जो फीस को रेडी करके रखे थे सावधानी से हम तेल के ऊपर डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। एक साइड पहले आपको फ्राई करना है, इसीलिए हम इसको अभी ढंकन लगाएंगे। मीडियम के सीम के बीच में फ्लेम को रखना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और यहाँ पे करीब 5 या 7 मिनट हो चुका है। तो अभी हम ये जो फीस का एक साइड हो चुका है, अभी हम दूसरी साइड पे इसको फोल्ड करेंगे। देखिए एक साइड ऑलरेडी गर्म हो चुका है अच्छे से और ब्राउन भी हो चुका है पत्ते। अभी हम दूसरी साइड को भी वैसे ही सेम प्रोसेस में फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको ढंकन लगाकर भी पका सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद हम इसको फिर चेक करेंगे। और यहाँ पे हमारा ये सारे फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोथ साइड्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसका मतलब आपका ये फिश अच्छे से बन गया है। ये फिश होने के लिए सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट लगता है, उससे ही आपका ये फिश अच्छे से पक जाता है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको खोलेंगे, देखेंगे कि ये अच्छे से भीतर से पका है कि नहीं। तो चलिए अभी हम इसको खोलते हैं। और यहाँ पे ये अच्छे से हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा सा सावधानी से खोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, इसीलिए इसका जो फ्लेवर है, टेक्सचर है, लुक्स है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी वाला फ्लेवर भी देता है। आप लोग ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे आप भिक्टी फिश के बदले में कोई भी फिश लेकर ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये फिश की रेसिपी के साथ आप थोड़ा सा प्लेन राइस ले लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। जरूर ये रेसिपी को ट्राई करें, सभी को खिलाएं और खुद खाएं, एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राइट साइड पे जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करें, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए रहती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।